का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लंबड़दार गरमेल सिंह पिंड भानू की तहसील फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। लंबड़दारी जी पिंड तौर पर कोई पक्षबाजी नहीं होनी चाहिए। जो सरकार ने ड्यूटी दिखती है वो तन मन के नाल निभानी चाहिए। बाकी जो घरेलू असो बीची कलेस होंगे उन्होंने छड़ के लंबड़दारी अपने पिंड पद्धर से काम करना चाहिए। ये मेरी हथ जोड़ के पूरे लंबड़दारा बेनती है ताकि अपना मन तन के नाल काम निभाओ और सरकार दी जिहड़ियां जिम्मेवारियां दित्तियां उन्हें सिर ते जाके और निभाओ ताकि मतलब है कि थोड़ा आने वाला भी थोड़ा पता लगे गाह थोड़ा नाम ही उच्चा रह के फलाना लंबड़दार वधिया काम करता सी पिंड पद्धर ते ताकि अफसर के बच्चे भी उन्होंने मतलब है कि मान सम्मान मिले ताकि मतलब है कि तुसी पूरा मन तन दे नाल काम करो। जो सरकार ने ड्यूटी दिती गई है अपने घरेलू कामां कारां नूं छड्ड के फिर तुसी अपना ड्यूटी निभाओ। देखो जी मैं उस वक्त मेरे दाढ़ी मुछ अजे उतरती सी तकरीबन 18 साल मेरी उम्र सी 12/6/1963 मैं भर्ती होया जाके मैनू बड़ा पिंड पद्धर ते जिहड़ा उत्थे दा माहौल सी बहुत वधिया लगा क्योंकि उत्थे हर स्टेट का हर प्रांत का हर स्टेट का बंदा मैनू उत्थे मिलिया खास करके केरला के बंदे ज़्यादातर मैनू मिले ताकि मतलब मेरा उन्होंने बहुत भाईचारा सी। असी एक पिंड नूं कदे अपने माँ बाप नूं वलों विआह शादी भी ना सी होया लेकिन कदे भी अपने माँ बाप नूं कदे याद ना सी कीता। उत्थे भैण भरा डिसिप्लिन दे तौर ते सारा असी अपनी ड्यूटी निभाउंदे सीगे। सो इस करके मतलब है कि जो भी फौजी बंदा हैगा जां अपने घर तों भर्ती हो के जांदा आ उत्थे तन मन दे नाल अपने बॉर्डर दे उत्ते अपनी ड्यूटी निभावो डिसिप्लिन दे दायरे च रहो और सीनियर दा हमेशा हुक्म मनो ताकि मतलब है कि थोड़ा मान सम्मान बनिया रहूगा और अपने मुल्क की शान उची होगी। तो नौजवानों को यही बेनती करूँगा बच्चों ताकि वध तो वध तुसी मतलब है कि अपनियां गेमां बन जाओ गेमां खेलो और डिसिप्लिन के दायरे च रहो फौज में जाओ कोई भी जा पुलिस की नौकरी हो BSB नौकरी हो सेंटर सरकार की मिलटरी की नौकरी हो एयरफोर्स की हो आर्मी की होवी की होगी तन मन अपनी ड्यूटी निभाओ ताकि मतलब है कि आने वाले बच्चों का नाम उच्चा हो। असी इस वक्त 5-4 बंदे सिर्फ एक पिंड लेकिन इस वक्त जो है कि मैं दावे ना कहना कि कोई भी बंदा इस वे जिहड़ा है वो साडे पिंड का फौज में नहीं है। वध तो वध जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ क्योंकि फौज का कम ही यह है कि बार्डर के उत्ते अपने बार्डर की जी राखी करनी हिंदुस्तान की सब तो बड़ा वही कम है अपना। ये इस वक्त जी हालात पंजाब के या हिंदुस्तान के हुए वा हर बच्चा देखता हर नौजवान देखता बच्चा भी देखता असी भी देखते हैं जो भी है इस आढ़तियों की भी मुश्किल आ रही जिदा कि मतलब है कि डाकूमेंट तुम अपन फर्जा पेश करो तो वह फर्जा कितों दे सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की फर्ज दे सकते हैं लेकिन जे कोई बंदा मतलब है कि बाहर के विदेशों के बैठा उन्होंने जमीन बहुत आ तो वह फर्जा डाकूमेंट कितों दे सकते हैं ताकि मतलब है कि उन्होंने पहला खर्चे अपने कर चुके वा तो जे उन्होंने पैसे उन्होंने खातियां जाते मतलब है कि उन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हर चीज़ ऐसे तो महंगी हुई हुई है और आढ़तियों तो आप भाईचारे के तौर पर रात में भी पैसे दे सकते हैं दिने भी दे सकते हैं क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदार है लेकिन बाकी कुछ पंजाब सरकार जी है उन्होंने भी मिल के सेंटर सरकार के नाल कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए गलबात राही सारे मसले हल होने चाहिए ताकि मतलब है कि आम लोगों गरीबों कोई भी इंसान हैगा हिंदुस्तान के बच्चे या दुनिया के बच्चे उन्होंने वधिया रोटी पानी मिल सके और बेहतर गुजारा कर सके।